it's an all-rounder girl, and in today's video I'm going to show you a very healthy and tasty smoothie recipe, mango watermelon smoothie. So please watch till end because ये बहुत ही ज़्यादा helpful होगी आपके लिए summer में, क्योंकि watermelon में जो है बहुत ही सारा पानी होता है जो कि आपको summer में hydrated रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना और इस वीडियो का पूरा देखना. ओके गाइस, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ. चलिए, वाटरमेलन के मैंने वो ले रखे हैं चॉप पीसेस, क्योंकि हम मैंगो वाटरमेलन स्मूदी बनाने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पे हमने ये काला नमक ले रखा है, फिर यहाँ पे पिसा हुआ जीरा लिया है जिसको हल्का सेक के फिर पीसा है हाथ थोड़ा सा, मतलब हाथों से या बेलन से. उसके बाद यहाँ पे हमने जो है पुदीना ले रखा है मिंट के लिए, थोड़ा सा पुदीना यहाँ पे हम यूज करेंगे. फिर यहाँ पे जो है हम स्मूदी बनाएंगे मैंगो और जो वाटरमेलन होते हैं वो तो अपने आप में होते हैं शुगर, मतलब मीठे होते हैं, पर हम उसमें फिर भी जो है थोड़ी शुगर यूज करेंगे. और यहाँ पे हमें चाहिए कुछ आइस क्यूब्स. तो चलते हैं इस वाटरमेलन को ग्राइंड करने की तरफ. हमारा ग्राइंडर, अब इस ग्राइंडर के अंदर जो है ये जो वाटरमेलन के पीसेस थे हमने चॉप्ड करे थे वो सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं. तो वाटरमेलन के सारे पीसेस डाल दिए. इसके बाद इसके अंदर जो है हमें इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर्स डालनी है, हल्का सा जो टेस्ट अच्छा और मीठा लाने के लिए. तो मैंने 1 डाली और ये रही दूसरी 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर. इसके अंदर शुगर डालने के बाद अब इसके अंदर जो है हम कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे. तो यहाँ पे मैंने ये जो 2 आइस क्यूब्स है वो डाल दिए हैं. अब इसको जो है मैं अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेती हूँ. हमने जो वाटरमेलन और शुगर और आइस क्यूब्स को करा था वो साथ में ग्राइंड हो चुके हैं. अब चलते हैं इसकी दूसरी तरफ. तो गाइस, हमने इसे ग्लास में रेडी कर लिया है. सबसे पहले नीचे हमने जो मैंगो का थिक सा जो बनाया था इसमें शेक, वो हमने नीचे मैंने सबसे पहले डाला था आधा ग्लास. उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वाटरमेलन का जो हमने अभी जूस ग्राइंड करा था वो मैंने इसके ऊपर डाला था. आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा, मतलब कलर डिज़ाइन में आ गया है. और ये हमारी जो स्मूदी आधी रेडी हो गई है. अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा ये जो काला नमक है वो ऊपर से डालेंगे. ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है. उसके बाद अब इसके अंदर ये जो हमने लिए थे जीरा जो हमने पीसा था वो जीरा जो है अब हम इसके अंदर ऊपर, मतलब ऊपर से छिड़क देंगे. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. और ये जो हमारी स्मूदी है वो रेडी हो चुकी है. तो आप इसे ना घर पर ज़रूर ट्राई करना. ओके गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपी वाटरमेलन मैंगो स्मूदी. आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि वाटरमेलन और जो मैंगो है वो दोनों के दोनों ही अभी समर में अवेलेबल ईजिली हो जाते हैं. तो आप ज़रूर लेके आना, अगर आपके पास है तो ज़रूर ट्राई करना. कॉमेंट्स बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी. इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन कर भी दबा ही देना. ओके गाइस, क्योंकि कंजूसी से मत करना बेल आइकन दबाने में. सब्सक्राइब तो कर देते हो, बस बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं आऊँ तब नोटिफिकेशन आ जाए. और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना. ओके गाइस, तो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय. Like a Hellcat.